उत्तराखंड के युवाओं का पटवारी बनने का सपना हुआ चकनाचूर। एक बड़े अधिकारी ने युवाओं का सपना किया चकनाचूर। अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर बेचे 380 सवाल। इधर पटवारी पेपर हुआ लीक, उधर एक गाना सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। उत्तराखंड के युवाओं को अंजलि को अपनी दुल्हन बनाने का मौका दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंजलि है कौन, तो ठहरिए, बताते हैं आपको। पटवारी का पेपर लीक हुआ तो सोशल मीडिया पर गढ़वाली गाना जमकर वायरल होने लगा। गाने का नाम है मेरी अंजलि। दरअसल ये गाना सरकारी नौकरी और शादी पर दर्शाया गया है। गाने में तीन युवक अंजलि नाम की लड़की को कहते हैं, बस एक साल रुक जा तो तेरे घर पटवारी बनकर आऊंगा। लेकिन तभी खबर आती है, पटवारी का पेपर लीक हो गया। गाने में तो सिर्फ मनोरंजन के लिए पटवारी पेपर लीक के सीन को दर्शाया गया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सच में पटवारी का पेपर लीक हो जाएगा। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को लोकसेवा उत्तराखंड लोकसेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया। ठीक 4 महीने पहले जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC में भर्ती घोटाला उजागर हुआ था, तो सरकार ने बड़े फैसले उठाने की कस्में खा ली थी और कहा था कि लोक सेवा आयोग को हम परीक्षा ट्रांसफर कर रहे हैं और दोबारा से पेपर लीक के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन देखिए ना, पिछले 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पेपर कराता है और बेरोजगार ये सोचकर खुशी से पेपर देते हैं कि ये विभाग सही होगा। लेकिन 48 घंटे बाद पता चलता है कि भैया ये पेपर भी लीक हो गया है। सोचिए उन बेरोजगारों पर क्या बीत रही होगी जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस विभाग की खुद CM पुष्कर सिंह धामी वाहवाही कर रहे थे, उसी विभाग में एक अफसर के नाम पर एक घोटाला बाज बैठा था। लोक सेवा आयोग के ही अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पत्नी के साथ मिलकर पेपर लीक करने का खेल रच दिया और पेपर लीक कराकर युवाओं से लाखों रुपए ऐंठ लिए। कुल 35 युवाओं ने पेपर को खरीदा था। हरिद्वार के लक्सर में पेपर को लीक कराया गया था। संजीव और उसके साथियों से STF ने 41.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। STF की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो UKPSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी है, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुरा कर फोटो खींच कर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया। ये तस्वीरें उन माफियाओं की हैं जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। आयोग की दूसरी परीक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।